नमस्कार, वीक 5 डे 3 में आपका स्वागत है। मुझे आशा है जैसे कि मेरी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है जैसे कि जैसे हमारा प्रोग्राम इस एंडिंग सिचुएशन में आ रहा है, आप सब भी इक्वली एक्साइटेड हैं ये देखने के लिए कि 6 हफ्ते बाद हमारा बैलेंस, हमारी स्टेबिलिटी एंड वॉकिंग एबिलिटीज़ कितने इम्प्रूव हुए हैं। ठीक है, सो क्या है आज का चैलेंज? आज हमने क्या करना है, बॉल के ऊपर आना है और थोड़ा सा ट्विस्टिंग करना है। कैसे करेंगे? बॉल के ऊपर पहले बैठ जाएंगे, धीरे 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 वॉक इन करेंगे जब तक कि बॉल हमारे अपर बैक पोर्शन में नहीं आ जाएगी। अच्छे से हम अपना अपर बॉडी, अपना सिर बॉल के ऊपर टिकाएंगे, धीरे से दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। स्केली, यस, स्केली थक चुका है, अपर बॉडी को लेके जाएंगे एंड स्लोली ट्विस्टिंग 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 एंड ट्विस्टिंग। सो ये है हमारी एक्सरसाइज वीक 5 डे 3। चलिए आगे बढ़ने से पहले देख लें अपना एक्सरसाइज प्रीव्यू। सो ये है आपका एक्सरसाइज प्रीव्यू। एक्सरसाइज प्रीव्यू देख लिया है और अपनी एक्सरसाइज एक बेहतरीन तरीके से करने के लिए क्या जरूरी है, मेंटल इमेजरी। सो अपनी आंखें बंद कर लीजिए, इमेजिन करिए आप बॉल के ऊपर बैठे हैं, आप धीरे 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 आगे आपने अपने कदम बढ़ाए हैं, दोनों हाथों को ऊपर जोड़ लिया है और बॉल ने क्या क्या सपोर्ट किया है, आपके कूल्हे को नहीं बल्कि आपकी अपर बैक और मिडिल बैक। आपने सिर अच्छे से टिका लिया है, कमर को ऊपर अच्छे से, पेट की मांसपेशियों को टाइट करते हुए रखते हुए दोनों हाथ जोड़िए और फिर ट्विस्ट करिए और दोनों बाजू पहले दाहिने तरफ लेकर आएंगे, फिर सेंटर, फिर ट्विस्ट करते हुए बाएं तरफ और फिर सेंटर। फिर धीरे 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 हम लोग वॉक बैक करेंगे और अपनी छाती बॉल से उठाते हुए बॉल के ऊपर बैठ जाएंगे। बहुत बढ़िया। और जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, एक अच्छी मेंटल इमेजरी से क्या होता है, हमारी एक्सरसाइज भी बहुत अच्छे तरीके से होती है। सो इस एक्सरसाइज का हम केवल एक सेट करेंगे जिसमें 10 बारी हम लोग दाहिने तरफ जाएंगे और 10 बारी हम लोग बाएं तरफ जाएंगे। तो शुरू होता है आपका सेट 1। ये व्यायाम करने के लिए आप बॉल के ऊपर बैठ जाएंगे, अपनी स्टेबिलिटी सुनिश्चित करते हुए धीरे धीरे आप कदम आगे बढ़ाएंगे और बॉल के ऊपर लेट जाएंगे। ध्यान रखिए आपका कूल्हा ऊपर उठा हो, गर्दन और आपका सिर बॉल के ऊपर स्टेबलाइज हो, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और फिर हम लोग राइट एंड लेफ्ट टर्निंग शुरू करेंगे। अगर आपको एक तरफ ही सुविधाजनक हो तो पहले आप एक ही तरफ 10 रेपिटेशंस कंप्लीट कर लेंगे, फिर आप दूसरी तरफ जाएंगे। ध्यान ये देना है, आप जब भी टर्निंग कर रहे हैं आपके पैर बहुत ही मजबूती से ज़मीन के साथ एंकर्ड हों और जब भी आप अपनी बाजुओं को टर्न दें तो ध्यान रखें कि एक ही कंधा बॉल पर लगा रहेगा और दूसरा कंधा पूरा बॉल से ऊपर उठ जाएगा। धीरे धीरे स्टेबिलिटी बनाते हुए आप टर्निंग करते रहेंगे, एक तरफ ख़त्म होने के बाद फिर दूसरी तरफ 10 बारी करेंगे। ध्यान देना है जब भी आप नीचे की तरफ टर्न हो रहे हैं आप सांस बाहर निकाल रहे हैं, पेट की मांसपेशियों को और पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को एकदम टाइट करके रखा हुआ है। बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड रहिए, धीरे धीरे करिए और अगर आपको लग रहा है आप स्लिप हो रहे हैं तो आप अपने दोनों पंजे दीवार की तरफ कर सकते हैं, घुटने भी दीवार के साथ हल्का सा लॉक कर सकते हैं। यदि घर में कोई सहायक हो तो वो आपके पैर के पंजों पे भी पैर रख सकते हैं ताकि आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो। एक बार ही आपके रेपिटेशंस ख़त्म हो जाए तो आप ऊपर उठेंगे, हिप के माध्यम से बॉल को पुश करेंगे और बैठ जाएंगे। बहुत ही बढ़िया। मुझे पता है कि शुरुआती दिक्कत आई थी आपको टर्निंग एंड ट्विस्टिंग करने में, पर जो जो मैंने आपको ट्रिक्स बताए हैं अगर आप उसको याद रखेंगे कि आपने कूल्हे को हमेशा ऊपर उठा के रखना है, बॉल आपकी पूरी छाती को, अपर बैक को और आपकी मिडिल बैक को सपोर्ट करेगी और दोनों हाथों से मोमेंटम बनाते हुए आप दाएं और बाएं जाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं, सांसों का कंट्रोल रखते हैं तो ये एक्सरसाइज आपके लिए काफ़ी आसान रहेगी। इसी आशा से कि आप और प्रैक्टिस करते जाएंगे और परफेक्ट होते जाएंगे, आपसे अलविदा लेती हूँ। नमस्कार।